दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। कोरोना संकट को लेकर एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। दिल्ली सरकार के आरोप पर केंद्र ने कोर्ट में जवाब दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र ने माना है कि दिल्ली को सिर्फ 340 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही है। केंद्र ने बताया कि दिल्ली को उसकी जरूरत के हिसाब से 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो रही है। कोर्ट में दिल्ली सरकार ने कोर्ट को निर्देश देने को कहा कि केंद्र बताए कि देश में कितनी ऑक्सीजन उत्पादन हो रहा है और किस राज्य को कितना ऑक्सीजन दिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, दिल्ली को 340 मीट्रिक टन गैस उपलब्ध करवाई गई है, लेकिन केंद्र ने कहा है कि जितनी गैस की आवश्यकता या ऑक्सीजन की आवश्यकता दिल्ली को है, उतनी ऑक्सीजन उठाने के लिए दिल्ली सरकार के पास संसाधन नहीं है। केंद्र ने यह भी बताया कि दिल्ली को उसने 4 टैंकर ऑक्सीजन उठाने के लिए उपलब्ध करवाए हैं, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली सरकार के पास ऑक्सीजन उठाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट में ऑक्सीजन सप्लाई, बेड्स की कमी और दवाइयों की कमी को लेकर सुनवाई चल रही है। दिल्ली को 340 मीट्रिक टन मिल रही है ऑक्सीजन, ये बात केंद्र सरकार ने कही है। मौजूदा हालात में जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है उससे कम ऑक्सीजन हो रही है, क्योंकि उसकी वजह है कि केंद्र सरकार ने जो कोटा उपलब्ध कराया है उतनी ऑक्सीजन उठाने के लिए दिल्ली सरकार के पास संसाधन नहीं है। अंकित गुप्ता इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अंकित, तूतूमामे कोर्ट में जारी है। बिल्कुल विकास, तूतूमामे जारी है। इस सबके बीच में कोर्ट में कुछ आंकड़े भी आ रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जो है जो नोडल ऑफिसर पेश हुए हैं, उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार को जो कोटा अलॉट किया गया है वो अपने कोटे की ऑक्सीजन मंगा ही नहीं पा रही, जबकि जो बाकी राज्य है वो अपनी ऑक्सीजन मंगा रहे हैं, इस वजह से दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है। दूसरी चीज जो केंद्र सरकार के नोडल ऑफिसर की तरफ से कही गई है वो ये कही गई है कि केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार को 4 ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो वाहन चाहिए होते हैं वो मुहैया कराए गए हैं, टैंकर्स मुहैया कराए गए हैं, लेकिन बाकी का जो दिल्ली सरकार को इंतजाम जितने का करना चाहिए था वो अब तक नहीं हो पाया है, और वो भी एक वजह है। लेकिन इस सबके बीच में कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। कोर्ट ने ये पूछा है कि क्या ये बताइए कि जिस तरीके के हालात दिल्ली में है उसी तरीके के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे जो बाकी राज्यों में भी है, तो जिसके जवाब में कोर्ट को ये बताया गया, दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि जी नहीं, दिल्ली को 490 मीट्रिक टन का एलोकेशन हुआ है और मिल रही है करीबन जो 300 से 400 मीट्रिक टन, लेकिन महाराष्ट्र में जितना एलोकेशन हुआ है उससे 25 से 30 फीसदी ज्यादा ऑक्सीजन वहां पर मुहैया कराई जा रही है, यानी कि जितना जो मांग की गई है उससे भी ज्यादा। महाराष्ट्र पर जो कोर्ट ने सवाल पूछा है तो कोर्ट को यह बताया गया कि महाराष्ट्र में करीबन 1500 मीट्रिक टन की जरूरत है और करीबन 1600 मीट्रिक टन दी जा रही है, यानी कि महाराष्ट्र के लिए भी ये बताया गया कि जितनी जरूरत राज्य सरकार ने बताई है उससे ज्यादा दी जा रही है, जिस पर कोर्ट ने ऐतराज जताया। कोर्ट ने ये कहा कि अगर बाकी राज्यों के साथ ऐसा हो रहा है और उनके पास में ज्यादा ऑक्सीजन है तो वो जो है दिल्ली में क्यों नहीं डाइवर्ट किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार के नोडल ऑफिसर ने अपनी दलीलें भी कोर्ट के सामने रख रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कोर्ट का बार बार अब यही कहना है कि अगर बाकी राज्यों को जितनी जरूरत है उससे ज्यादा ऑक्सीजन मिल सकती है, तो दिल्ली सरकार ने तो 20 अप्रैल को 480-490 मीट्रिक टन देने की बात कही थी, वो 700 मीट्रिक टन देने की बात कही थी, लेकिन आपने कहा कि 480 या 490 मीट्रिक टन दे सकते हैं, लेकिन वो भी अब तक नहीं दी जा रही है। कुल मिलाकर के कोर्ट में जिरह इसी चीज पर चल रही है कि दिल्ली को जो ऑक्सीजन सप्लाई मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं मिल रही है। एक बड़ा कारण केंद्र सरकार के अधिकारी की तरफ से बताया गया कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो वाहन चाहिए वो नहीं है, लेकिन सरकार अब जो कोर्ट ये पूछ रही है कि अगर बाकी राज्यों के लिए व्यवस्था हो सकती है तो दिल्ली के लिए क्यों नहीं, तो फिलहाल अभी उसी पर सवाल जवाब जारी है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के उठाए सवाल पर जवाब देने को कहा है। दिल्ली सरकार का कहना है कि उन्हें 480 से 490 मीट्रिक टन का कोटा अलॉट किया गया है, जबकि उन्होंने 700 मीट्रिक टन से ज़्यादा की मांग की है। कुछ राज्यों में मांग से ज़्यादा सप्लाई की खबर पर हाईकोर्ट ने कहा है कि इनसे ज़रूरी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ये आरोप दिल्ली सरकार ने लगाया है, दिल्ली सरकार टैंकर नहीं जुटा पा रही है, ये बात केंद्र सरकार ने कही है। तो आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं। हमारे साथ इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ अंकित गुप्ता जुड़ गए हैं। अंकित, अब जो सुनवाई है वो इस बात पर चली गई है कि जितनी मांग थी उतनी पूर्ति तो हो नहीं रही है, बल्कि उससे कम हो रही है। बिल्कुल विकास, क्योंकि जो पिछले कुछ दिनों से लगातार जो फोकस है वो ऑक्सीजन के इर्द-गिर्द है, ऑक्सीजन की कमी को लेकर के है, और पहले जो है दो दिनों पहले दिल्ली सरकार को कोर्ट ने इसी वजह से फटकार लगाई थी कि दिल्ली के अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंच रही नहीं रही,
क्योंकि केंद्र का कहना था कि हमने जितना कोर्ट एलोकेट किया है वो दिल्ली सरकार जो उठा नहीं पा रही है। तो आज जब सुनवाई शुरू हुई तो आज भी जो दिल्ली सरकार का यही कहना था कि जब बाकी राज्यों को उतनी ऑक्सीजन मिल सकती है या उससे ज़्यादा मिल सकती है, जिसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जिक्र किया गया, तो आखिर दिल्ली को क्यों नहीं। तो जिस पर जो है दिल्ली सरकार की इस दलील पर कोर्ट ने अब केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि ठीक है आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार उठा नहीं पा रही है, लेकिन जहां अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की या महाराष्ट्र की, तो वहां पर जो राज्य सरकारों ने जितना जो है आपसे मांग की है आपने उनको उससे ज़्यादा कोटा फिक्स किया हुआ है। मध्य प्रदेश में करीबन 25% ज़्यादा कोटा फिक्स किया हुआ है, महाराष्ट्र में भी 1500 की जगह करीबन 1600 मीट्रिक टन आप जो उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो आखिर अगर दिल्ली सरकार ने 20 अप्रैल के आसपास आपसे 700 मीट्रिक टन के आसपास ऑक्सीजन का कोटा फिक्स करने की मांग की थी, तो आपने सिर्फ 480 या 490 मीट्रिक टन क्यों किया है, इस बात पर जो है केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। वहीं केंद्र सरकार का ये कहना है कि हम दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रहे हैं, अपनी तरफ से 4 टैंकर भी मुहैया कराए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के सामने दिक्कत तो ये है कि जो 480-490 मीट्रिक टन का हमने कोटा एलोकेट किया है वो वही पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, कभी 300 कभी 350 कभी 400 मीट्रिक टन, उससे ज़्यादा वो जो है उठाई नहीं पा रही है, जबकि केंद्र सरकार भी उसकी मदद कर रही है। तो केंद्र सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि जितना कोटा एलोकेट किया गया दिल्ली सरकार पहले उसी का ही खपत नहीं कर पा रही है। तो अब कोर्ट ये जानना चाहती है कि अगर दिल्ली सरकार ये कह रही है कि उसका कोटा बढ़ाया जाए तो आखिर केंद्र को उसमें आपत्ति क्या है। तो फिलहाल देश भर के अलग अलग राज्यों में जो है एलोकेशन हुआ ऑक्सीजन का कोर्ट में, उस पर भी जो बहस हो गई है, और अब केंद्र सरकार को कल तक ये बताना होगा कि आखिर दिल्ली का कोटा उसकी मांग के हिसाब से क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा, अगर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों का बढ़ाया जा सकता है। विकास, एक अपडेट आ गया है सबके बीच में, वो ये है कि 2:30 बजे दिल्ली हाईकोर्ट की दूसरी बेंच में जो मामले की सुनवाई होनी थी, वो ये जो बेंच है ये डबल जजों की बेंच है, इन्होंने सिंगल जज के बेंच के पास में जो मामले की सुनवाई होनी थी उसको कहा है कि इसको हमारे पास ये जो है ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि ये जो सभी मामले हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, फिर चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो, फिर चाहे वो बेडों की कमी की बात हो। तो अब फिलहाल कोर्ट की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि 2:30 बजे जो सुनवाई होनी है दूसरी कोर्ट में, हाई कोर्ट की, अब वो उस कोर्ट में ना हो करके वो सारे मुद्दे भी इसी कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। जी, तो अंकित गुप्ता ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए थे। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, अब उसमें तू तू मैं मैं का खेल शुरू हो गया है, जनता को कोई राहत नहीं मिलती दिख रही है और तारीख पर तारीख ही मिल रही है। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कोरोना से जुड़ी खबर पर, किस तरह से देश में कोरोना के आंकड़े सबसे ज़्यादा आए हैं। आज 380,000 के आसपास आंकड़े पहुंच गए हैं, 3,000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। दिल्ली में लगातार बिस्तरों की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, और इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई भी चल रही है, और कुछ राज्यों में मांग से ज़्यादा सप्लाई को लेकर भी दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई के दौरान आंकड़े रखे गए हैं। दिल्ली सरकार टैंकर नहीं जुटा पा रही है ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, ये केंद्र सरकार ने कहा है। वहीं दिल्ली सरकार ने कहा है कि उसकी जो मांग है वो पूरी नहीं कर पा रही है। ABP News आपको रखे आगे।